अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाई किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की, पार्ट 89। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। इधर जैसे तैसे जो जानवी है वो बरखा के घर में एंट्री कर ही चुकी थी। बरखा बेहद गुस्से में थी और वो एकदम से बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? हाँ, कर क्या रही हो तुम यहाँ पे? जानवी, देखो मैं तुमसे झगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ और ना ही मुझ में अभी उतनी पेशेंस है, ठीक है? प्यार से बोल रही हूँ, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ तुम। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी, नॉट इवन सिंगल वर्ड। तभी जो है जानवी बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ बरखा, मेरी मेरी बात तो सुनो प्लीज़ ना। प्लीज़ बोलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं जानवी, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, बिल्कुल नहीं करना चाहती, मुझे तुमसे कोई बात करना ही नहीं है। तुम बस तुम्हारे यहाँ पे आना, मुझसे बात करना सिर्फ महज वक्त बर्बाद है और कुछ नहीं। जानवी देखो प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझो और अभी के अभी निकल जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और तुम किससे पूछ के आई हो मेरे घर पे? हाँ, एड्रेस कैसे दी? कशिश ने दिया एड्रेस। तभी एकदम से जानवी पूछी, डजंट मैटर कि तुम्हारे एड्रेस कैसे आई मेरे पास, पर रात हो गई। आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई डोंट जानवी, आई डोंट वॉन्ट टू। तुम्हें जो करना है, जो जैसे भी करना है ना, करो, इट्स योर लाइफ। बट अब से तुम्हारी लाइफ के इर्द गिर्द भी बरखा नाम की कुछ भी नहीं आएगी। नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। तुम्हें जो करना है ना, तुम्हें स्नेहा के साथ मस्ती करना है, जो करना है सब कुछ तुम आराम से कर सकती हो बेफिक्र होके। अब से मैं तुम्हें कोई भी चीज़ को लिए कुछ भी बोलूँगी नहीं। जानवी एकदम से उसकी हाथ पकड़ने लगती है। तो बरखा बोलती कि छूने की कोशिश भी मत करना जानवी, छूने की कोशिश भी मत करना वरना अच्छी नहीं होगी। मैं बोल रही हूँ तुम समझ जाओ और बेहतर यही है कि यहाँ से चली जाओ। तो भी जानवी बोलती नहीं जाना यार, कैसे समझाऊँ मैं तुमको कि ये जो दो दिन बीते हैं मेरे ऊपर क्या बीते हैं। हाँ यार प्लीज़, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि मेरा दम घुट रहा है। प्लीज़ बरखा मुझसे एक बार बात कर लो प्लीज़। तभी बरखा बोलती कि अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं क्या बात करूँ तुमसे? और बात करने लगूँ ना पता नहीं तुम क्या क्या उछल लो, मेरे कैरेक्टर ब्ला ब्ला, पता नहीं तुम्हारे मन में पता नहीं क्या है, और फिर से तुम सारी चीज़ों को एकदम से उछल दो। इससे अच्छा ना तुम तुम्हारी जगह पे रहो, मैं मेरी जगह पे बिल्कुल सही हूँ, हमारे दरमियाँ कुछ नहीं हो सकती। हाँ मेरी गलती थी कि मैं तुमसे प्यार कर बैठी, वो मेरी गलती है और इस गलती के लिए मैं पछतावा हमेशा ही करूँगी। तभी जानवी बोलती प्लीज़ यार, प्यार फॉल्ट नहीं हो सकती कभी, ऊपर वाले की बेहद खूबसूरत तोहफा है, इसे तुम मेरे ही गलती के कारण ऐसे बदनाम मत करो। तभी एकदम से बरखा घूर के देखते बोलती ओ सीरियसली, अच्छा कर ना करके भी क्या फ़ायदा हुई, तुमने रखी मान इसकी? हाँ तुम्हें मुझसे अगर प्यार नहीं है बेशक ना सही, पर क्या तुम उस बारे में सोची हो जिन जिन बातों से तुमने मुझे एकदम से छी? यार जानवी मैं ना इस विषय में कोई भी बात करना नहीं चाहती, पता नहीं मैं गुस्से में क्या क्या बोल जाऊँ। मैं तुम्हारी तरह हूँ नहीं ना कि अगर गुस्से में इतनी सारी चीज़ें निकल जाऊँ और मुझे उस चीज़ का ध्यान भी ना रहे। मुझे पता है कि सामने तुम खड़ी हो और ये मेरी कमज़ोर दिल की लाचारी है कि मेरे मुँह से कोई भी कठोर वर्ड आते आते रुक जाते क्योंकि सामने तुम खड़ी हो और मैं ये बोलना नहीं चाहती। मेरा दिल मुझे इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं दे रही है। ये बोलते हुए बरखा की आंखों में आंसू भर आते हैं। जानवी बहुत अच्छी से अपनी चीज़ों को समझाने की कोशिश करेगी तो ऊपर कैसे करेगी अगर सुनने वाले सुनना ही नहीं चाहते हो तो।
इधर वो बार बार बोली जा रही थी कि प्लीज़ एक तो मौका दो मुझे अपनी बातें रखने के लिए, लेकिन बरखा सुनना ही नहीं चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं बरखा भी तो सही थी। एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर जब कोई आके ऐसी ही एवे दामन को उछाले तो ये चीज़ कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगी, फिर चाहे सामने वाले शख्स उसकी खुद की मोहब्बत ही क्यों ना हो। इधर जो जानवी है वो बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ हाथ जोड़ती हूँ ना प्लीज़। बरखा बोलती ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ जानवी, मैंने जो बोली है वही बात पे मैं कायम हूँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नॉट इवन सिंगल वर्ड, तुम अभी की अभी यहाँ से जाओ। लेकिन जानवी भी ढीठ थी, वो जाने वालों में से तो थी नहीं, वो एकदम से उसकी पैर पकड़ ली थी। और ये सीन देख के बरखा शॉक्ड हो जाती है, उसे बोलने से पहले ही वैसी सिचुएशन थी नहीं, वो कुछ बोलेगी वो कुछ करेगी तब तक जानवी ये हरकतें कर चुकी थी। बोलती कि देखो अब चाहे हाँ बोलो अब चाहे ना बोलो, अब चाहे बात करनी है या ना करनी है, मैंने पैर पकड़ लिया और तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करती। तो लड़का बोलती कि ये क्या बकवास है, ऐसे पैर छोड़ो मेरी, पैर छोड़ो मेरी, क्या करके रही हो, बोलती जो करना है वो बात की बात है पर प्लीज़ अभी माफ़ कर दो यार, मैं सो नहीं पा रही हूँ रात को, पता नहीं यार मैं टफर हूँ यार सच में, तुमने जो कही है ना मेरे बारे में बिल्कुल सच है यार, मैं टफट हूँ, डफर मतलब एक नंबर की डफर यार, यार सीधी चीज़ें मुझे समझ नहीं आती ना, तो इसमें गलती क्या है अगर मुझे समझ नहीं आती। तभी बरखा बोलती समझ नहीं आती, तुम गलत फहमी में रहो मुझे नहीं रहनी, समझ में नहीं आती ये गलत है, समझ में आती है पर तुम समझना नहीं चाहते हो, दोनों में अंतर है और अंतर सीखो। अच्छा ठीक है ना, ठीक है जो तुम कहो वही सही, मैं कहाँ बहस कर रही हूँ, मैं डफर हूँ यार ठीक है, कभी कभी चीज़ें मैं समझ ही नहीं पाती, आई मीन तुम्हारे हिसाब से, तो यार प्लीज़ ना यार, रात की नैन मतलब नींद छूट गई मुझसे तुम्हारी चक्कर में। तभी बरखा बोलती कि वाह तुम अपनी नींद, देखो इसमें ना मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, पैर छोड़ो मेरी, बोल कि नहीं छोड़ सकती मैं तुम्हारी पैर तब तक तो नहीं जब तक तुम माफ़ नहीं करती हो, अब चाहे पूरी रात मुझे यहीं पे बैठ के बितानी पड़ी। तभी बरखा बोल कि पागल हो गई हो क्या, तुम्हें घर नहीं जानी है, ठीक है अरे घर गई तेल लेने, ये भी तो घर है। बरखा बोलती कि हे भगवान जानवी क्या करके रहे हो तुम, उठो यहाँ से, और यहाँ पे मेरी दोस्त है, अगर वो इस हालत में तुम्हें देखेगी वो देखिए कौन सी दोस्त है तुम्हारी, ठीक है मेरी दोस्त एक ही दोस्त है फिलहाल, हाँ तो वो देखने दो, उसे भी तो पता है मैंने क्या किया है, तो हाँ तो उसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम माफ़ कर दो ना यार, अरे यार मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरी चैन नींद सब कुछ टूट गई है तुम्हारे चक्कर में, अब क्या चाहती हो तुम। हाँ देखिए अच्छा तो इस बात के भी तुम मुझे ही दोषी ठहराओगी, हाँ तुमने कुछ नहीं किया, मुझे कि अरे सब कुछ मैंने ही किया है, मैं कहाँ झुठला रही हूँ बातों को, अरे मैं तो तुम्हारी ही बातें बोल रही हूँ, तुम जो कहो वही सही, मैं इनकार थोड़ी ना कर रही हूँ, पर प्लीज़ यार माफ़ तो कर दो, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ तुम्हारी पैर को, फिर चाहे रात जाए दिन जाए या शाम जाए। क्या अच्छा सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जानी है, बोलती कि अरे यार मुझे जानी है ना, वो मुझे सोचने दो, तुम सोचो तुम क्या करोगी। अच्छा तो तुम्हें वॉशरूम भी नहीं जानी, वो अरे वो एक दिन नहीं जाएंगे तो क्या ही हो जाएंगे प्लीज़ यार। तभी ये बरखा को ये सारी बातों में वो अपनी गुस्सा को पकड़ने की कोशिश तो कर रही थी, पर जानवी की इन सारी हरकतें में वो मतलब कंट्रोल करके रखी थी कि उसको पिघलना नहीं है बिल्कुल भी नहीं है, पर जानवी की इन्हीं हरकतों से उसे हंसी बहुत आ रही थी, पर वो चुप थी, अपनी स्ट्रिक्टनेस वो पकड़ के रखती है ताकि जानवी को ये ना लग जाए कि हाँ वो मान गई है, तो ढीठ बन के रहती है कि नहीं तुमसे मुझे कोई बात नहीं कहनी, तुम घर जाओ। और जानवी भी अब पूरी तरह से वो होते हैं ना युद्ध के मैदान में उतर चुकी थी कि अगर इस पार होगी या उस पार होगी, पर हार नहीं माननी है।
वो पैर छोड़ने की ना भी नहीं ले रही है। इधर जो बरखा है वो कोशिश में लगी थी कि जैसे तैसे छुड़ा ले, और एक समय में ऐसे होते हैं कि वो एकदम से पुश करती है जाह्नवी को, और पुश करते ही जाह्नवी की हाथ छूट जाती है और बरखा बोलती है लो छुड़वा ली, अब ना चुप से यहाँ से चली जाओ। जाह्नवी एकदम से खड़ी होती है और बोलती कि देखो मैं ऐसे नहीं जाने वाली। बोलती कि तुम जैसे भी जाने वाली हो ना चले जाओ, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही अब हमारे दरमियाँ कुछ भी है, नॉट इवन दोस्त, हम दोस्त भी नहीं हैं। ये बोलते हुए बरखा एकदम से जाने लगती। जाह्नवी बोलती कि प्लीज़ यार बरखा यार प्लीज़। बोलती कि मैं तुम्हारी यार बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है अब यारा ना दोस्ती जिससे भी चाहे उससे करो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। अरे साथ कहाँ रहते हो, तुम तुम्हारे घर में रहते हो, मैं मेरी घर में रहती हूँ, दोनों अलग अलग ही तो है। तभी बरखा बोलती है वेरी फनी, मैंने कही ना तुम्हारी इन सारी हरकतों से मैं मानने वाली हूँ नहीं। ये बोलती है बरखा जो है एकदम से साइड में एक कमरा थी वहाँ पे वो जाके दरवाज़ा बंद करेगी कि जैसे तैसे फिर से जाह्नवी एंटर कर लेती है। जाह्नवी बोलती है इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ मैं, ठीक है। बरखा बोलती है तुम्हारी कमज़ोर होने से या ना होने से मुझे क्या, तुम जाओ यहाँ से, बोली ना मुझे बात नहीं करनी। और जो है जाह्नवी क्या करती है वो एंटर तो कर लेती है और एकदम से वो दरवाज़ा बंद कर देती है। बरखा बोलती है अब ये क्या है, देखो बोलती है देखो इतनी तुम्हारी पीछे पीछे ना मैं भाग नहीं सकती, क्या पता तुम यहाँ से फिर से कौन से कमरे में चले जाओ और मैं तुम्हारे पीछे पूरी पूरे घर में भागूंगी क्या, वैसे भी तुमने पैर पे लगा दी मुझे। तो बोलती है वाह वो भी तुम्हारी ही गलती है। अरे यार अरे बरखा प्लीज़ ना यार चुड़ैल तुम ऐसे कैसे क्यों हो। बोलती एक सेकंड मुझे ना आइंदा से चुड़ैल बोलने की ज़रूरत भी मत करना। बोलती कि ओके ओके फाइन फाइन नहीं बोलेंगे, तुम मान जाओ ना, अगर तुम मान जाओगे ना तो मैं आइंदा से कभी तुम्हें चुड़ैल नहीं बोलूँगी। बोलती अच्छा इतनी आसान है क्या, तो मैं वही इतने सारे हरकतें करके आओ और मेरे पैर पकड़ो और बोलो कि माफ़ कर दो, मैं माफ़ कर दूँ, भूल जाऊँ बातों को। देखो जाह्नवी इंसान भले ही जितने गुस्से में रहे पर तुम्हारी मुंह से आई शब्द, तुम्हें ज़रा सा भी इल्म है मुझे कितनी तकलीफ दी है, क्या तुम उन सारे वर्ड्स को वापस ले सकती हो। हाँ बोलती कि बिल्कुल ले सकते हैं, मैंने अभी मतलब मैंने उस दिन तुम्हें जितनी भी सारे वर्ड कही ना वो महज गुस्से में थी, वो तुम्हारे लिए नहीं थी और मैं अपने सारे वर्ड्स को वापस ले रही हूँ, ले ली। बरखा अपनी सर पे हाथ मारती हुई बोलती जहन से कैसे मिटाओगी, हाँ जो मेरे कान में गूंज रही है आज भी हर वक्त जब भी मैं सोच रही हूँ वो कैसे मिटाओगे। बोलती कि अरे कुछ तो मेरे मेहरबानी करो ना मेरे ऊपर कि कुछ भी नहीं करना है, जब तक मेरे जहन में वो सारी बातें रह जाएगी ना मैं तुमसे बात करने वालों नहीं हूँ। अरे यार मैं जहन से कैसे मिटाऊँ, बोलती हाउ कैन आई नो, तुमने तो बड़ी लाजमी तरीके से अपनी सारे वर्ड्स को ऐसे ही बस बोल के वापस ले लिया, पर मेरे जहन में वो बस चुकी है, जब तक वो नहीं होती ना मैं तुम्हें माफ़ कर ही नहीं सकती, अब तुम जा सकती हो। ये बोलती है बरखा जाती है दरवाज़ा ओपन करने के लिए, लेकिन एकदम से जाह्नवी उसके पीछे आती है, जो कुंडी को पकड़ी थी उसकी एक हाथ उसी हुए में रखती है बैक से और एक हाथ इतनी कस के उसकी कमर में ग्रैब करती हुई पकड़ती है कि बरखा की एकदम से पूरी बॉडी ऐसे मानो कि वाइब्रेट होने लगती है। वो एकदम से क्या करती है पीछे की ओर धकेलती है जाह्नवी की और बोलती है क्या कर रही हो तुम, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। तभी जाह्नवी बोलती है यार देखो मैं मेरे शब्दों को भले ही ले चुकी हूँ, तुम्हारी जहन से कैसे मिटा वो नहीं पता, पर यार मैं क्या करूँ, प्लीज़ मत जाना, बात कर लो मुझसे, मुझे नहीं करनी है तुमसे बात और जाओ यहाँ से। तभी एकदम से जाह्नवी बोलती अच्छा तो तुम मानोगी नहीं, पर क्या बोलती है ज़बरदस्ती है हाँ क्योंकि हाँ है तो अच्छा तुम बात मनवाने के लिए भी तुम ज़बरदस्ती करोगी, देखिए हाँ करूँगी। देखिए सही है करो फिर, मुझे नहीं मानना है तो नहीं मानना है, अब मैं भी तो देखो तुम करती क्या हो। जाह्नवी इधर उधर देखती है तो बरखा बोलती है क्या देख रही हो, मानने वाली हो क्या। बोलती नहीं नहीं
मारना वरना मेरे बस की बात नहीं है। बोली, अच्छा वैसे तो मुझे लगती है कि वही तुम्हारी सबसे अच्छी काम है जो तुम करती हो बिना कुछ सोचे समझे हो। तो बोलती, अरे यार टोंट क्यों मार रही हो, गुस्से में थी। और क्रिश को देख के ही गुस्सा आ जाती है। बोलती, हाँ तुम इकलौती हो ना, हमें गुस्सा आते नहीं है, हम इंसान नहीं है। वो देखा, अरे बाबा सबके तौर तरीके अलग होते हैं, और उस कमीने ने इतनी हरकतें कर रहे हैं ना कि मुझे देख के उसको देख के खून खोल उठते हैं, मैं क्या करूँ, बाई बात हूँ। अच्छा देखो मुझे ना तुमसे कोई बहस नहीं करनी, अभी के अभी मेरे कमरे से निकालो, निकलो तुम। बोली, वो तो मैं अभी नहीं जाऊँगी जानवी, तुम चाहती क्या है यार, प्लीज़ तुम्हें देख के मुझे हर्ट हो रही है। जब जब मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ मुझे उन सारी बातों याद आ रही है जो तुम्हारी ही लफ्ज़ों से आई है, और मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती हूँ। जानवी बोलती, यार ऐसे कैसे देखना नहीं चाहती हो, मेरे मेरे फेस पे इतने चामनेस इतने वो चमक तुम नहीं देखोगे तो कौन देखेगी। तभी प्रखा बोली, व्हाट, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। ये नहीं पता ना, बौखला गई हूँ और तुम्हारी चक्कर में हुआ है ये सब, पहले ही अच्छी थी यार, तुमने पैसे ऐसे हरकतें करे कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गई। तभी एकदम से प्रखा बोली, हर चीज़ में मुझे मत ठहराओ चीज़ें, जाओ यहाँ से। यार क्या जाओ जाओ लगा के रखिए, मैंने बोली ना मुझे नहीं जानी है। इधर बरखा खुद परेशान हो जाती कि इसको भेजे तो भेजे कैसे। अब वो बोलती कि ठीक है, हम कभी और बात करेंगे, अभी तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभी की अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। वो मैं अभी तो कब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आराम से मेरी बात सुनो, सुन तो लो, कितनी बात तो सुना ही चुकी हो तुम, बोलते बोलते कि सुन लो ये बोलते बोलते बहुत सारे बातें मैं सुन चुकी हूँ। हाँ ठीक है, तुमने जो किया है शायद उस चीज़ से तुम गिल्ट हो, अब तुम्हें वो चीज़ समझ आई है और इसलिए तुम माफ़ी मांगने आई हो, ठीक है समझ गई मैं, पर फ़िलहाल मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती और ना ही मेरे कोई इंटेंशन है तुम्हें माफ़ करना, तो तुम जाओ। जानवी बोलती, अरे तो समझ गई हो तो ऐसे करोगी। हाँ वैसे तो दुनिया की सबसे बुरी इंसान तुमने मुझे बना के ही रखी है अपनी नज़रों में, मैं ऐसे करूँ या ना करूँ क्या फ़र्क पड़ती है। तभी अब जानवी को गुस्सा आने लगती कि यार पैर पकड़ लिए गिड़गिड़ा रही हूँ, मिन्नती कर रही हूँ और ये अपनी ही टोन लेके बैठी है। और वो एकदम से आती है, बोलती कि अब मुझे गुस्सा आ रही है। ठीक है वाह, हाँ तो तुम्हारे गुस्से का मैं अचार डालूँ, अचार ना डालो कुछ और डालो, बस गुस्सा मत दिलाओ मुझे, पता नहीं गुस्से गुस्से में कि गुस्से गुस्से में क्या, फिर से मेरे कैरेक्टर को उछालोगे, फिर से सड़क चाप या कुछ भी बोल लोगे, अब पता नहीं फिर से पता नहीं क्या 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 बोलने लगो, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी के साथ। तभी एकदम से जान मिलती कि शट अप, ओके जो तुम बोलने की कोशिश कर रही हो ना वो खबरदार अगर तुम बोली। बोली अच्छा, पर इसमें बुराई क्या है, क्योंकि तुम्हें तो कुछ अंतर मतलब मालूम पड़ती ही नहीं है, तुम तो गुस्से गुस्से में कुछ भी बोल लेती हो, तो किसी के साथ भी। तभी जानवी क्या करती है, बरखा की कॉलर पकड़ती है और अपनी ओर खींचती है और सीधा उसकी होठों में किस करने लगती है। और इतनी वाइल्ड वो किस थी कि जानवी उसे इतनी दर्द हो रही थी, सॉरी बरखा को, और बोली आउच कर क्या रही हो, काट क्यों रही हूँ मुझे। बोली शट अप ओके, मैं इतनी प्यार से बोल रही थी, हाँ तुम्हें समझ नहीं आई, अब तुम भुगतो, जहन की बात कर रही हो ना तो मैं निकालती हूँ जहन से। और ये बोलते हुए वो उसकी नेक को इतनी कस के ग्रैब करती है और एक हाथ उसकी बरखा के कमर पे थी वो इतनी टाइटली वहाँ पे प्रेस करती कि बरखा वहीं पे चुप, जो आ रही थी दर्द के कारण वो भी कुछ क्षण तक ही थी, उसके बाद चुप हो जाती है। और जानवी अलग ही जुनून में थी, उसकी होठों में वो इस तरह से किस कर रही थी कि पता नहीं जन्मों की प्यासी थी। और किस करते करते वो एकदम से उसे, क्योंकि जिस कमरे में थी वहाँ पे बैठते तो एकदम से धकेलती इतनी कि सीधा बरखा बैठ के मिडिल पॉइंट पर आके गिरती है। जानवी इधर उधर नहीं देखते वो सीधा उसके ऊपर आती है, उसकी दोनों हाथ को ग्रैब करती है, ब्लॉक कर देती है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से उसके नेक को, नेक के साइड से उसने जो टी शर्ट पहनी थी उसको हटाती है। और वहाँ पे वो पहले तो एकदम से अपनी टंग से छूती है, फिर वहाँ पे लीक करती है, थोड़ी सी स्मूची
करके वहाँ पे वो बाइट करती है। जैसी बाइट करती है बरखम दी, अच्छा जान जानवी क्या कर रही हो तुम, चुप हो जाओ। प्यार से समझा रही थी ना, पैर पकड़ ली थी, गिरा रही थी, मिन्नत ही कर रही थी, पर तुम्हें कुछ सुनना ही नहीं है, तो अब इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। भाई बरखा बोलती कि मत करो प्लीज़, ये सब की ज़रूरत नहीं, ठीक है मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बातें, ये सब। तभी बरखा जो जान रही होती है, इट्स लेट बेबी, और ये बोलते हुए वो अब क्या करती है, उसकी जो नेक पे वो हल्की सी बाइट कर रही थी, अब वहाँ पे वो अच्छे से सक कर रही थी। और इधर जुन बरखा थी, उसकी हालत वही पे ख़राब हो जाती है। जानवी नेक से उसकी हाथ हटाती है, अभी भी उसके फेस उसके नेक साइड पे वहाँ पे थी, और एकदम से वो उसके वेस्ट को ग्रैब करती, एक ही हाथ से, दूसरे हाथ से तो उसने ग्रैब करके रखी थी उसकी हाथ को, और पैर से इतनी कस के उसकी पैर को ब्लॉक कर रही थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। और सीधा वो अपनी हाथ को पहले तो उसकी वेस्ट के वहाँ पे लेती है और एकदम से प्रेस करती है। जैसे जैसे वो प्रेस कर रही थी, बरखा की हालत ख़राब हो रही थी, उसकी आह निकल रही थी कि आह मत 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 करो ना, चुप। और फिर से वो क्या करती है, आहिस्ता आहिस्ता उसी हाथ को उसके पेट के बल पर लाकर उसके चेस्ट पे वहाँ के आती है और एकदम से प्रेस करती है। और जैसे ही प्रेस करती है, मानो कि बरखा की सारी चीज़ें कंट्रोल वहीं पे ख़त्म। वो अपनी फेस को जो है जानवी की शोल्डर के वहाँ पे एकदम से कस के रख देती है, मतलब खुद को उसकी बाहों में इतनी छुपा लेती है कि कोई देखे नहीं, और जो हो रहे वो बर्दाश्त नहीं है। जानवी जैसे ये देखती है, उसकी फेस पे एक तीखी सी मुस्कान आती है। फिर वो क्या करती है, बरखा की फोरहेड पे किस करती है, बरखा की आँखों को, जिन आँखों से दो आंसू सरकते हुए गिर रही थी, वो आंसू को अपनी होंठ से लेते हुए उसकी नोज को रब करते हुए इसकी होंठ के करीब आती है, अपनी फोरहेड को बरखा की फोरहेड के साथ लगाते हुए बोलती, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, यह सच में तुमने डफर हूँ, तुम जो कहती हो ना वो सच है, पर मेरी कोई इंटेंशन थी ही नहीं कि तुम्हें तकलीफ पहुँचाऊँ, बस गुस्से में बोल दी। आई नो मैं बहुत ख़राब करी हूँ, ये चीज़ मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, पर जुबान मेरे हाथ में नहीं थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और ये बोलते हुए जैसे ही बरखा रो रही थी, उसके होठ कांप रहे थे, जैसे वो उसकी होठ थोड़ी सी ओपन होती है, जानवी थोड़ी सी भी इंतज़ार नहीं करती, फटाक से वो अपनी होठ उसके होठ के अंदर समा देती है और उसे इतनी पैशनेट तरीके से किस कर रही थी कि बरखा खुद शॉक थी। जब जब वो छूटने की कोशिश कर रही थी, तब तब जानवी उसके हाथ को और कस के पकड़ ली थी, लेकिन अब वो एकदम से अपने हाथों को आज़ाद छोड़ती है, कोई भी प्रयास करती नहीं है, बल्कि ये है कि उसके उसी हाथ को ग्रैब करके पकड़ लेती है। जानवी जैसे ही देखती है कि अब ये कोई भी प्रयास करेगी नहीं, वो एकदम से उसके हाथों को छूती है, और जैसी ही जानवी का हाथ छोड़ना, यह बरखा जो है जानवी को पूरी तरह से ग्रैब कर लेती है अपनी बाहों में, और जानवी बस उसे किस कर रही थी। इतनी पैशनेट किस थी कि बरखा अपनी अवतार में आते उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगती है, और वो भी जानवी को प्रॉपर किस कर रही थी। और क्रिस करते करते वो क्या करती, जानवी को साइड में धक्का देती है और एकदम से उसके ऊपर आती है, उसके टॉप में आती है, जानवी की कॉलर पकड़ती है और बोलती है, यो समझ के क्या रखी हो तुम, हाँ जब चाहे तुम मुझे तकलीफ़ पहुंचाओगी, जब चाहे तुम मेरी करीब आओगी, जब चाहे तुम मुझे किस करोगे, और मैं कुछ। तभी जानवी उसके होठों में एक उंगली रख लेती है, हर कुछ ना कहो। बरखा उसकी ही होठों से जानवी की उंगली को एकदम से हटाती है और वो जानवी की फेस को होल्ड करती है और उसकी होठ में अपनी होठ रखती है, उसे किस करने लगती है,
लेकिन बरखा वाली साइड में थोड़ी बहुत हार्ड थी, आई मीन वाइल्ड बोल सकते हैं। वो इतनी जोर से काटती कि साथ साथ एकदम से खून आने लगता होती। आउच यार, चुड़ैल बोलते हो, इसका मतलब ये नहीं कि चुड़ैल नाम को रोशन करनी है तुम्हें। अरे काट ली, बोली चशा क्योंकि मेरे दोस्त बाहर है, सुन लिया ना तो पता नहीं। देखते देखते दोनों के जो कपड़े थे वो भी किसी एक कोने में आके गिर जाते हैं कमरे के ही। दोनों अपनी मोहब्बत के आगोश में पूरी तरह से डूब से जाते हैं। लगभग 1 घंटे तक प्रॉपर इंटीमेशन के बाद जो जाह्नवी की हालत थी वो बेहद ख़राब थी। उसकी सांसें इतनी गहरी थी कि जो बरखा है उसकी ओर देखते और बरखा एकदम सांस भरते बोलते कि क्या हो गई, एनर्जी ख़त्म। तभी जाह्नवी उसको एकदम से टाइटली ग्रैप करती बोलती है, इतनी जल्दी तो नहीं है, लेकिन हाँ वो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। तो बरखा एकदम से हंसते बोलती कि शट अप ओके पागल दी, और नहीं तो क्या यार, फर्स्ट टाइम में कुछ ना कुछ तो वो ये ओके शट अप हो गई है बस। तभी एकदम से बाहर से आवाज़ आती है, यार कैसे कैसे आवाज़ें निकाल रहे हो यार, मैं इकलौती हूँ मेरी तो सोचो। जैसे ही ये बोलती है वो बरखा एकदम से उठ के बैठ जाते, बोलती शिट। जानवी बोलती है अरे यार इसको अभी आनी थी। हाँ तो ये मेरे साथ घर में है तो ये कभी भी आ सकती है। तो अब क्या, जल्दी से कपड़े पहनो क्या तुम भी। अच्छा वो भी मुझे पहननी पड़ेगी बोलती। अच्छा नहीं तुम ऐसे बैठी रहो, मैं जाके दरवाज़ा खोलती हूँ। तभी एकदम से जान बोलती पागल हो क्या, मुझे ऐसे किसी को नहीं दिखानी है। अच्छा हाँ तो वही तो बोल रहे हैं। तो जल्दी जल्दी मैं कपड़े वगैरह पहन लेती है और फिर वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश वगैरह हो लेती है, तब जाके दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलती ही जो बरखा की दोस्त है दोनों को घूरते हुए देखती है, बोलती इससे अच्छा ना बेटर ऑप्शन तो तेरी कमरा थी, वहाँ पे चले जाती। बेचारे सिंगल हूँ मैं और मेरी अरमानों को हाय मैं कैसे बताऊँ, कैसे कैसे साउंड आ रहे थे। तो एकदम से जाह्नवी तो चुप हो गई थी, बरखा की फेस पूरी लाल हो गई थी, बोलती कि चुप करना क्या तू तू भी, बोलती कि हाँ हाँ समझ आ रहा है यार। और जाह्नवी अब वो क्या करेगी, वो बरखा की ओर देखती है कि वो मैं ना घर जाती हूँ, अब प्लीज़ मेरी फ़ोन उठा लेना। तभी बरखा बोलती है डोंट वरी उठा लूँगी, तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हें घर से छोड़ सकती हूँ। जाह्नवी बरखा की ओर घूर के देखते बोलती है क्यों दी एवी दी, फिर मैं तो घर चली जाऊँगी क्योंकि मैं स्कूटी लेके आई हूँ। और तभी जो बरखा की दोस्त है वो जाह्नवी की नेक की हालत देखते और इतनी ज़ोर से वो हंसती है। तो एकदम से बरखा क्या कहते अपनी हाथ से जाह्नवी की नेक को ढक लेते हैं, बोलती क्या है शर्म कर जा यहाँ से, तू क्यों परेशान कर रही है। तो उसके दोस्त वहाँ से साइड हट जाती है और एकदम से बरखा क्या करती है इधर उधर देखती, तो वहाँ पर उसकी एक दुपट्टा थी और बोलती तुम ये कवर अप कर लो। तो जाह्नवी बोलती अरे मैं घर कैसे जाऊँगी चुड़ैल, बोलती डफर दे रही हूँ ना दुपट्टा, तो तू किसने देख लिया। तो बोलती एक काम एक मिनट, तो क्या करती है भागते हुए अपने कमरे में जाती है और एक ऑइंटमेंट ला लेती है और उसके हाथ में देते हुए बोलती ये लगा लेना रात में ठीक हो जाएगी। एक रात में कैसे ठीक होगी, इतनी गहरी गहरी निशान। हाँ तो अब दे दिया तो दे दिया, मैं वापस नहीं ले सकती। बोलती कि वाह बढ़िया है, अब मैं कैसे जाऊँ घर, बोलती मुझे क्या पता, मुझे कशिश के घर जानी पड़ेगी। हाँ तो कशिश के घर ही जाओ। हाँ तो उसको क्या बोलूँगी, बोलती कि वो इतनी समझदार है उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारी तरह डफन नहीं है। हाँ ठीक है तुम तो बस मेरी बेइज्जती ही कर लो, अब जाओगी, बोलती हाँ जा रही हूँ। और ये बोलते हुए जाह्नवी वहाँ से निकल आती है। हाँ वो बरखा को मना कर देती कि आने की ज़रूरत नहीं है। जाह्नवी कशिश को कॉल करती और कशिश और जो नीता थी ये लोग तो अलग ही सिचुएशन में थे। इधर प्रकाश वो घूरते हुए जान जो है एकदम से नित्या की ओर देखता है, वो देखिए पागल हो गए क्या, कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे। नित्या ये कोई मजाक की वक्त नहीं है,
वो लड़का जिसे तुम पसंद करते हो मैंने उसी को लाया था। भी मीठा होती भाई, फॉर गॉड से एक समझने की कोशिश करिए आप, मुझे वो लड़का पसंद है ही नहीं, मुझे कशिश पसंद है। पसंद नहीं, मैं उसे प्यार करती हूँ और वो भी करती है। जैसे ये बात सुनती है सीता जो साइड पे खड़ी थी वो एकदम से चेयर पे बैठ जाती है, एकदम सुन पड़ गई थी। दृष्टि मैम वहाँ पे थी, दृष्टि मैम बोलती है ओ नित्या तुम तो आज फायर मोड पे हो। कशिश तो कशिश बोलती है क्या मैम आप ऐसी सिचुएशन में, देखिए अब क्या बोलूँ, तुम्हारी बंदी पूरी आग की बबूली हो चुकी है। तभी प्रकाश फिर से बोलता है कि मजाक चल रहा है क्या, तुम्हारी दिमाग ख़राब हो गई है नित्या, क्या बोले जा रहे हो तुम, एक लड़की से प्यार करती हो, पागल हो कैसे तुम एक लड़की से प्यार कर सकती हो, तुम्हारी दिमाग ख़राब है। तभी एकदम से नित्या बोलती है नहीं भाई दिमाग ख़राब नहीं है, जो सच है वही बोली, आई लव हर लॉट एंड शी ऑल्सो लव मी। प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है का मतलब क्या होती है, एक लड़की से कैसे प्यार कर सकती है कि क्यों भाई, प्यार की कोई बेंचमार्क तो है नहीं कि एक लड़का एक लड़की से ही कर सकते हैं, एक लड़की लड़की से नहीं कर सकती है, ऐसा तो है नहीं। लव बियॉन्ड द जेंडर होती है, आप भी जानती हुई बात, मुझे कुछ नहीं जानना। तभी एकदम से कशिश होती कि मैम वो आराम से बात करना, मैं बात करती हूँ वो भाई। तभी प्रकाश बोली कि तुम्हारा तो भाई हूँ नहीं मैं, हाँ और खबरदार अपनी उस गंदी जुबान से मेरा मुझे भाई भी बोला तो तुमने ही करे ना ये सब सारी हरकतें, हाँ तुम्हारे घर वालों को पता है इस बारे में। तभी कशिश बोली कि वो नहीं पता है पर मैं बता दूँगी, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा आज के हमारे घर पे आने के आज से हमारे घर पे इर्द गिर्द भी मत घूमना और आने की ज़रूरत भी मत करना, हाँ कैसी हो तुम। तभी एकदम से नीता उठी भाई प्लीज़ जो भी बोलना है ना आपको मुझे बोल सकती हो, इसकी कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी, लेकिन आप सुना केवल मुझे सकते हो कशिश को नहीं, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। सीता शौक थी, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोलेगी, लेकिन कशिश नहीं चाहती थी कि नित्या अपने भाई से बुरी तरह से बर्ताव करे। वो बोलती है कि आराम आराम से बात करिए ना, हम बैठ के बात करते हैं। जो प्रकाश था वो बोलती कि बैठ के बात करने का क्या मतलब है, ये कौन सी चीज़ है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा रिश्ता कभी हो ही नहीं सकते है, और मुझे लगता है कि तुम इससे दूर रहो, तुम्हारी ना बत्ती भ्रष्ट हो गई है, तुम्हारी दिमाग ठिकाने ठीक से लगानी पड़ेगी। तभी एकदम से नित्या बोलती है भाई क्या बात कर रहे हो आप। इधर प्रकाश गुस्से में आ जाते हैं और सीता एकदम से बोलती है शांत हो जाओ, चिल्लाने से या ये सब करने से चीज़ों का हल नहीं आएगी, बैठ के बात करते हैं। और कशिश बेहतर ये होगी कि आज तुम अपने घर वापस जाओ, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नीता प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। नीता को भी लगती है कि कशिश की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे यहाँ पे रखना और पता नहीं आगे क्या क्या हो। वो एकदम से दृष्टि मैम की ओर देखते हुए दिखाई रिक्वेस्ट की आप इसे घर छोड़ दोगी, तो दृष्टि मैम बोली बेशक ज़रूर चलो कशिश। कशिश जाना नहीं चाहती थी पर नित्या की रिक्वेस्ट पर वो चली जाती है। उधर जो जानवी वो पहुँचती है कशिश के घर, अपनी गर्दन पे वो दुपट्टा डाली हुई, तो कशिश की मम बोलती है क्या हो गई है, कुछ नहीं मासी कशिश कहाँ है। बोलती कि वो तो गई कहीं पे पर अभी तक आई नहीं है। बोलती कि मतलब वो कॉलेज से आई ही नहीं ना, यूनिवर्सिटी से, मैंने पूछी है तो बोली है कि मम्मा मैं कहीं पे हूँ आ जाऊँगी। अच्छा तो जानवी सोचती है अरे मैम के साथ तो भेजी थी घर पर ये तो आई नहीं, वो कॉल कर रही थी। कशिश फ़ोन उठाती है बोलती कि आ रही हूँ घर जा रही हूँ मैं। बोलती कि मैं तेरे घर पे हूँ जल्दी से आ जा। आज कहानी हम यहीं पे ख़त्म करते, जानेंगे अगली एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।